मैं डॉक्टर सुनीता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय के अंतर्गत प्राचीन भारत का विदेशों से संबंध विषय के एक पेपर के एक इकाई प्राचीन भारत में श्रीलंका से संबंध के संदर्भ में सिगिरिया के भित्ति चित्रों का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के दौरान हम भारत का श्रीलंका से संबंध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, श्रीलंका में चित्रकला के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सिगिरिया की भौतिक स्थिति और यहाँ की प्राप्त अन्य शैल चित्रकला के साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। वस्तुतः भारत का श्रीलंका के साथ प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। भारत की ये विशेषता रही है कि अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ विश्व के जिस भी देश के साथ उसने अपने संबंध स्थापित किए या जिनसे भी उनका संपर्क हुआ, उसने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उनको और ज़्यादा समृद्ध किया। ये तथ्य यहाँ विचारणीय है कि संस्कृति के आदान प्रदान के इस क्रम में भारतीय संस्कृति ने न सिर्फ वहाँ के लोक जीवन को अपितु उनकी परंपराओं को भी प्रभावित किया। ये संदर्भ और ये संबंध आज भी वहाँ से प्राप्त उनके प्राचीन साहित्य और पुरातत्व के साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन्हीं संदर्भों में अगर हम प्राचीन भारतीय शैल चित्रकला की बात करें तो इसके प्रमाण हमें मध्य पाषाणिक पुरास्थलिक साक्ष्यों से प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाण से प्रारंभ हुई चित्रकला की ये परंपरा भारतीय संदर्भ में पुष्पित, पल्लवित और विकसित होते हुए अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करती है। चित्रकला के ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते ही हमें बाघ, अजंता जैसे चित्रकला के प्रतिनिधि साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अजंता की ये परंपरा न सिर्फ भारत में अपितु भारत के बाहर भी विकसित होती है और प्रसारित होती है। इसी क्रम में हम श्रीलंका के सिगिरिया के भित्ति चित्रों का अध्ययन करेंगे। अपने इस अध्ययन के दौरान हम जिन बातों पर विचार करेंगे उनमें सिगिरिया के भित्ति चित्रों की निर्माण तकनीक, उनकी विषय वस्तु और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त चित्रकला के साक्ष्य विशेष रूप से उल्लेखनीय होंगे। आधुनिक श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंहल था। इस द्वीप का एक नाम सिलोन भी है। वस्तुतः इसी सिंहल शब्द के क्रमशः अरबी एवं पुर्तगाली अपभ्रंश से यह व्युत्पन्न हुआ है। संस्कृत साहित्य में इस द्वीप को लंका, रत्नद्वीप, ताम्रपर्णी आदि नामों से अभिहित किया गया है। सिंहल एवं भारत का घनिष्ठ संबंध अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। वस्तुतः यह संबंध भौगोलिक सामीप्य के आधार पर ही विकसित हुआ। लगभग 5वीं शती ईसा पूर्व में विजय के सिंहल आगमन, थेर महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं दक्षिण भारतीय राज्यों से संघर्ष की पृष्ठभूमि में सिंघल में बौद्ध धर्म का विकास होता है। इसकी पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ साथ दीपवंश, महावंश, समंत पासादिका आदि बौद्ध ग्रंथों से होती है। अभिलेखीय साक्ष्यों के अंतर्गत हम मौर्यकालीन अभिलेखों, समुद्रगुप्त के अभिलेख, चोल एवं पांड्यवंशीय अभिलेखों का विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। उपनिवेश स्थापना के साथ ही तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीयों ने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कालांतर में भी भारत और श्रीलंका के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संपर्क निरंतर बने रहे। इन दीर्घकालिक संबंधों के परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों के समान ही सिंहली कला में भारतीय कला से समन्वय प्राप्त किया और सिंहली कला भारतीय कला से अत्यधिक प्रभावित भी हुई।
जिस प्रकार भारतीय कला अपने स्थानीय प्रभावों को लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित और पल्लवित होती है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय कला का विकास हुआ, जिसमें स्तूप स्थापत्य, मूर्तिकला, भित्ति चित्रकला आदि अपने वैशिष्ट्य के साथ सिंहली कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला के इन विविध पक्षों में भित्ति चित्रकला का अपना विशिष्ट स्थान है। सिंघल में भित्ति चित्रकला के अनेक उदाहरण सिगीरिया, मिहिंतले, हिंदगल, दिम्बुलागल, पुल्लीगोंड, लंका तिलक प्रतिमा गृह आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इनमें सिगीरिया से प्राप्त भित्ति चित्रों का सिंघली बौद्ध कला में विशिष्ट स्थान है। सिगीरिया के भित्ति चित्रों के संदर्भ में जॉन स्टिल का विचार है कि द होल फेस ऑफ द हिल अपीयर्स टू हैव बीन अ गिगेटिक गैलरी, द लार्जेस्ट पिक्चर इन द वर्ल्ड परहैप्स। और ये कथन कहीं ना कहीं इस अपनी बात की पुष्टि करता है कि सिंघली भित्ति चित्रकला अपनी विशिष्टता विश्व में स्थापित करने में सफल रही, जिसके पीछे जिसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं भारत में बनी थी। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अगर हम अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि सिंघली ग्रंथ चुल्ल वंश के अनुसार 459 ईस्वी में अनुराधपुर से तमिलों को निष्कासित करने के उपरांत राजा धातुसेन ने गद्दी पर आसीन हुआ। यह एक उदार शासक था। इसने बौद्ध धर्म को पर्याप्त परश्रय भी दिया था और इसके संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए। इसके दो पुत्र थे, कश्यप प्रथम और मोगलान। कश्यप प्रथम ने षड्यंत्र करके धातुसेन की अर्थात अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा, जबकि मोगलान इन बदली हुई परिस्थितियों में स्वयं को अकेला पाकर दक्षिण भारत चला जाता है। राजा बनने के उपरांत कश्यप ने लगभग 479 ईस्वी सन से 97 ईस्वी सन तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी अनुराधपुर के स्थान पर सिगीरिया को बनाया और वहां 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में अनेक भवन हैं जिनकी दीवारों तथा गलियारों में भारत के अजंता गुहाओं के समान ही भित्ति चित्रों की प्राप्ति हुई है। सिगीरिया की वर्तमान स्थिति का अगर हम अवलोकन करें तो इसकी स्थिति मातले जिले के समीप दमबुल में स्थित है। यह पुल नरुआ से 20 मील पश्चिम में है। सिगीरिया का प्राचीन नाम सिंहगीर था। सिंहगीर वस्तुतः सिंह और गीर इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस सिंहगीर नाम के पीछे की अवधारणा है कि इस पहाड़ी को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई सिंह बैठ के आराम कर रहा है और उसकी इस आकृति को देखते हुए इसे सिंहगीर भी कहा जाता है। सिगीरिया नामक इसी पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में भित्ति चित्रों का अंकन हुआ है। यह पहाड़ी लगभग 140 मीटर लंबी और 40 मीटर ऊंची है। इस भित्ति चित्र की खोज 1831 ईस्वी में मेजर जोनाथन फोब ने की थी। कालांतर में सर्वप्रथम पुराविद HCP वेल ने इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के भित्ति चित्रों का प्रमुखता से अध्ययन किया। सिगीरिया के भित्ति चित्रों को अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं कि ये संपूर्ण चित्र पहाड़ी की पश्चिमी दीवार के दो छोटे शैल गृहों में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के लगभग 6 शैल गृह प्राप्त हुए हैं, किंतु चित्रों के अवशेष मात्र 4 में ही प्राप्त होते हैं। 67 फीट की गुहा में दो लंबे प्राकृतिक कक्षों का निर्माण हुआ है। इसमें कक्ष संख्या ए 26 फीट लंबा अत्यंत छोटा कक्ष है, जबकि कक्ष संख्या बी 41 फीट लंबा एक अपेक्षाकृत
बड़ा कक्ष है। इसमें कक्ष संख्या ए में 17 और कक्ष संख्या बी में मात्र 5 चित्र ही प्राप्त हुए हैं। कक्ष संख्या बी के चित्र कक्ष संख्या ए की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े हैं। भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की तैयारी की जाती थी। इनके अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि इन भित्ति चित्रों को गुहा में निर्मित करने के पूर्व दीवालों की भूमि तैयार की जाती थी। सिगिरिया में भूमि की मोटाई 0.5 इंच है। इसका निर्माण मिट्टी में धान की भूसी एवं नारियल की जटाओं के मिश्रण से किया गया है। भूमि को समतल बनाने के लिए इसके ऊपर 0.5 से 1/4 इंच मोटा चूने का प्लास्टर किया गया है। तत्पश्चात इन पर लाल एवं काले रंग से चित्रों की रूपरेखा बनाई गई है और अंत में इनमें रंग भरे गए हैं। सिगिरिया के चित्रों में मुख्यतः लाल, हरे, पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि कभी कभी इनमें काले एवं सफ़ेद रंगों का प्रयोग भी प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त 21 चित्रों में प्रमुखता से स्त्रियों का ही अंकन किया गया है, जो सिगिरिया के चित्रकला की अपनी विशेषता है। यहाँ से प्राप्त इन चित्रों में एकल या युगल में ये स्त्रियाँ चित्रित की गई हैं। विद्वानों का मानना है कि ये नारियाँ संभवतः स्वर्गिक अप्सराएं हैं। स्त्रियों को मात्र कटी प्रदेश तक ही चित्रित किया गया है। कटी के निचले हिस्से में बादलों का चित्रण किया गया है। चित्रित स्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण कर रखा है। इनके कानों में कुंडल, ग्रीवा में हार, हाथों में वलय एवं कटी में मेखला विशेष रूप से प्रदर्शित है। स्त्रियों को सुनहरे तथा जैतूनी रंगों में दिखाया गया है। सुनहरे रंग वाली स्त्रियों ने प्रायः ऊर्ध्व वस्त्र धारण नहीं किया है, जबकि जैतूनी हरे रंग वाली स्त्रियां स्तनपट धारण किए हैं। प्रथम प्रकार की स्त्रियों में स्वामिनी का भाव दिखाई देता है, जबकि द्वितीय प्रकार की स्त्रियों में परिचारिका का भाव परिलक्षित होता है। दोनों वर्गों की स्त्रियों ने अधोवस्त्र धारण किया है। चित्रों में कटी प्रदेश पर अधोवस्त्रों का अंकन स्पष्टता के साथ हुआ है। अधिकांशतः सुनहरे रंग वाली स्त्रियों को हाथ में पुष्प लिए अथवा पुष्प वर्षा करते दिखाया गया है, जबकि जैतूनी हरे रंग वाली सुकुमारियों को हाथों में फूलों का थाल लिए प्रदर्शित किया गया है। सिगिरिया के चित्र यद्यपि अजंता शैली पर निर्मित हैं, परंतु इनमें अजंता के चित्रों के समान सौंदर्य एवं परिपक्वता का अभाव है। फिर भी सिगिरिया के चित्रों का अपना सौंदर्य एवं वैशिष्ट्य है, जो सदैव ही कलाविदों एवं इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इनके संबंध में हेवेल ने ठीक ही कहा है, बाई द पेक्यूलर चार्म ऑफ सिगिरिया लाइज इन द एक्सप्रेशन ऑफ वंडर एंड डिलाइट लॉफ्ट बाय द लेडीज इन द ग्रेस ऑफ मूवमेंट अविट फ्री फ्रॉम एनी अकेडमिक पोज एंड इन द स्ट्रेंथ विल वाइटैलिटी ऑफ ड्राइंग एंड मॉडलिंग। श्रीलंका से सिगिरिया के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी चित्रकला का विकास हुआ। इनमें पेश देनिया के समीप हिंदगल से प्राप्त चित्रकला के अवशेष सिगिरिया के भित्ति चित्रों के समकालीन हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ भी उसी तकनीक एवं उन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया जिसका प्रयोग सिगिरिया में हुआ है। यहाँ से प्राप्त चित्रों का रेखांकन आकर्षक है। मिहिन तले के एक स्तूप के धातु गर्भ में बादलों से निकलते हुए देवताओं को चित्रित किया गया है। इन चित्रों की तिथि लगभग 8वीं शती ईस्वी है। मिहिन तले तथा अनुराधपुर के वाहल कडों में बांसुरी बजाते वामन, सिंह तथा वानस्पतिक अलंकरणों को चित्रित किया गया है। पोलो नरुआ काल में भी चित्रकला का
ऐसा ही विकास हमें प्राप्त होता है। पोल नरुआ काल के ग्रंथ बुट सरण में उल्लेख है कि चित्र चित्रकार के मस्तिष्क की भावात्मकता से ही सुंदर हो सकता है। इस काल के साहित्य में दीवालों तथा कपड़ों पर चित्र निर्माण के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इस समय की चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण भैयंगढ़ स्तूप के धातुगर्भ से मिले हैं। ये चित्र संभवतः विजयबाहु के काल अथवा उसके पूर्व के हैं। यहाँ के चित्रों में रूपरेखा एवं गहराई पर काफी ध्यान दिया गया है। दिम्बुलागल गुफाओं तथा पुल्लीगोंड के चित्र भी इसी काल के हैं। पुल्लीगोंड के चित्र यद्यपि सुंदर रेखांकन युक्त हैं, किंतु इनमें कुछ बनावटीपन भी है। यहाँ रंग भी नीरस ही दिखाई देते हैं। गल विहार में अनेक देवी देवताओं के चित्रों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। लंका तिलक प्रतिमा गृह की मेहराब पर अनेक चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तिवंक प्रतिमा गृह से भी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के चित्र मिले हैं। तियंक प्रतिमा गृह की संपूर्ण दीवार चित्रों से अलंकृत थी। इनमें से अधिकांश आज भी द्रष्टव्य हैं। इन चित्रों में भगवान बुद्ध की जीवन कथानकों एवं जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। यहाँ चित्रकारों ने सर्वप्रथम लाल रंग से रूपरेखा बनाकर फिर उसमें रंग भरा है। विभिन्न भाव भंगिमाओं युक्त मानव आकृतियों का कुशलतापूर्वक यहाँ चित्रण किया गया है। आकृतियों की वेशभूषा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रंगों में लाल हरे तथा पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पोल नरुआ युग में चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ, जबकि अजंता की परंपरा भारत में निर्लगभग निर्जीव हो चुकी थी। उस समय भी श्रीलंका के पोल नरुआ काल में भारतीय चित्रकला फलती फूलती रही। तत्कालीन इतिहास की दृष्टि से पोल नरुआ काल की चित्रकला का स्थान विश्व की श्रेष्ठ कलाओं में होगा। इस प्रकार चित्रकला के विकास क्रम को श्रीलंका में अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि पोल नरुआ काल में भी श्रीलंका में चित्रकला उन्नति की ओर बढ़ती रही। ये वही काल था जब भारत में अजंता की चित्रकला की परंपरा लगभग मृत प्राय या धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ चुकी थी, किंतु पोल नरुआ की ये कला जिसे आज विश्व में प्रमुख स्थान दिया जा रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय कला की वो समृद्ध परंपरा रही जो हमारे सांस्कृतिक अवदान के फलस्वरूप श्रीलंका पहुंची थी। धन्यवाद।